स्टूडेंट ऑफ क्लास एट, आज मैथमेटिक्स में प्रश्नमाला 2D बताना है। पहला क्वेश्चन है 16/25 का वर्गमूल निकालिए। 16/25 का वर्गमूल कौन सा है दिया हुआ जवाब में, इसमें वर्गमूल कौन सा होगा। तो 16/25 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 16 का क्या होता है, 4 × 16, या ऐसे कीजिए 2 × 2 × 2 × 2, और इसका हो गया आपको 5 × 5। 2 × 2 का वर्गमूल 1 × 2 हो गया, फिर 2 × 2 का वर्गमूल 1 × 2 हो गया, 2 × 5 का 1/5 हो गया, तो 4/5 हो गया। इसमें जवाब दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, किस में होगा, एक नंबर इसका जवाब हो गया आपका। इसी तरह से 2 नंबर में है 0.04 का वर्गमूल, 0.04 इस तरह लिख दीजिए वर्गमूल, तो 0.2 × 0.2 बराबर होता है 0.04। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया, 0.2, ये नंबर हो गया आपका इसमें जवाब में, 3 नंबर इसका होगा जवाब, तीसरा जवाब सही है। अब वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है 3 नंबर में 1/16 का वर्गमूल निकालें, 16 का वर्गमूल निकालें, तो 1/16 पर रूट दे देंगे टोटल पर, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का होता है 4, यानी 4 × 4 16 कर दीजिए, तो इसका 1 हो गया, 2 × 4 का 1/4 हो गया वर्गमूल। अच्छा अब 6 तक तो हो गया, आप सीधे जो है 11 नंबर बता रहे हैं, ग्यारह नंबर में कह रहा है यदि x बराबर 16/81, 16/81 होल पर रूट है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, ये आपका सवाल हो गया। तो चूंकि x बराबर क्या है आपको 16/81 पर रूट, तो 16 का क्या होता है 4 × 4, इसका वर्गमूल हो गया 81 का 9 × 9 शॉर्ट में मान लीजिए, तो 1 बराबर 2 × 4 का वर्गमूल 1 × 4 हो गया, 2 × 9 का 1 × 9 4/9, 1 बराबर क्या हो गया 4/9। ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, एक नंबर और है 12 नंबर बता देते हैं। यदि m बराबर 0.0016 पर रूट, तो रूट m बराबर क्या होगा, तो रूट m बराबर क्या होगा, ये आपका सवाल है, रूट m बराबर क्या होगा, तो m बराबर आपका हो गया 0.0016, तो पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, आसान तरीका बताते हैं, 16/ कर दीजिए, पॉइंट के में 1 आता है, 1, 2, 3, 4 अंक है, तो 4 0 बैठा दीजिए, ये m का मान निकल रहा है आपका, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, ऐसे लिख दिए 4 × 4 और 10,000 है, 4 0 है, तो 2 × 2 0 कर दीजिए, 100 × 100, तो 2 × 4 का वर्गमूल 1 × 4 हो गया, और 2 × 100 का वर्गमूल 1 × 100 हो गया, m बराबर हो गया आपको 4/100। अब रूट m कह रहा है, रूट m बराबर क्या होगा, तो 4/100 पर रूट दे दीजिए, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और 100 का वर्गमूल 10 हो गया, तो रूट m बराबर हो गया आपको 2/10,
अगर उसको काटना चाहते हैं तो 1/5 हो जाएगा, नहीं काटना चाहते तो यही रहने दीजिए। तो इसका क्वेश्चन भेज देती है आप लोगों को, आज यही तक रखा जाए। ईद का छुट्टी हो गया 4 दिन और रमज़ान बाद 1 तारीख से उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का फिर क्लास होगा, स्कूल भी खुलने वाला है। तो स्कूल जब तक मैंने कि पढ़ाई स्कूल में चालू नहीं हो तब तक इस क्लास चलेगा आपका 1 तारीख से। और ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद।